हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। घर के निर्माण में जब हम जैसे कि मैंने कई बार बात की है कि तीन कंपोनेंट बहुत प्रमुख होते हैं। एक है हमारी बॉडी यानी कि शरीर, दूसरा है बिल्डिंग और तीसरा है स्पेस। बॉडी, बिल्डिंग एंड स्पेस, या बॉडी, बिल्डिंग एंड यूनिवर्स। अब जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग के भी एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है, वो है मटेरियल्स का। मटेरियल्स प्रकृति से निकलते हैं, और जो मटेरियल्स प्रकृति से निकलते हैं, नेचर फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे शरीर के ओरिएंटेशन के लिए, बॉडी एक्सिस के लिए, बॉडी के अलाइनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए हमेशा बेहतर माने जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कई बार हम इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो आज एक ऐसे मटेरियल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुन के आपको हैरानी हो जाएगी कि ये मटेरियल से ये चीजें बन सकती हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे किले हैं, फोर्ट्स ज्यादा करके स्टोन्स के बने होते हैं, पत्थरों के बने होते हैं, और बहुत सारे फोर्ट ऐसे हैं जो हजारों साल पुराने हैं। पिरामिड्स भी हजारों साल पुराने हैं और वो कई तो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी कई फोर्ट्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। मैंने खुद भी बहुत सारे फोर्ट्स देखे हुए हैं। आमेर का फोर्ट जयपुर का है, या आपका महाराष्ट्र के अंदर पन्हाला का फोर्ट है, रायगढ़ के फोर्ट्स हैं, राजस्थान में बहुत सारे और भी फोर्ट्स हैं, इसके अलावा हैदराबाद में भी आपका गोलकुंडा फोर्ट्स वगैरह हैं। तो इंडिया और पूरी दुनिया में आपको फोर्ट्स या फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बहुत मिलेंगे, और आप हमेशा पाएंगे कि वहां पे जो मटेरियल यूज हो रहा है वो वहां का लोकल मटेरियल है। मटेरियल अगर नेचर फ्रेंडली है तो उसके क्या फायदे हैं ये आप सब जानते हैं, क्योंकि जिस जगह की टोपोग्राफी होती है और वहां का मटेरियल यूज किया जाए तो वो नेचर के लिए, आपके लिए, आपके शरीर के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। पर इसके अंदर एक मटेरियल और है। अब मैं पत्थरों की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा वुड की, लकड़ी की। एशिया में कई जगह पर और जापान में आपको बहुत सारे टेंपल्स ऐसे मिलेंगे, एंशियंट टेंपल्स अभी भी हैं, बुद्धिस्टा टेंपल्स भी हैं उसमें, जिसके अंदर एक्सटेंसिव यूज है लकड़ियों की, बीम्स का, पूरे जो पेड़ के जो एक तरह से तने होते हैं उनका, और वो जो सर्वाइव किए हैं वो कुछ सैकड़ों वर्ष नहीं है। जो गिवन हिस्ट्री है हमारे पास वो 2000 से ज्यादा सालों की है, कि वो जो लकड़ी है, जो वुड है, वो 2000 साल सर्वाइव कर चुकी है। और मैंने खुद भी एक्चुअली कुछ महाराष्ट्र के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं जिनको पुराना वाड़ा कहते हैं। ओल्ड टाइम्स के अंदर आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले या उससे पहले भी, जब आप पहली मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाते थे तो वो जो वाड़े थे, यानी कि वाड़ा वो कहते जहां मंत्रीगण रहते थे और जहां राजा रहते थे उसको राजवाड़ा कहते थे। तो राजवाड़ा का एक छोटा रूप वाड़ा है, लेकिन उसको रजवाड़ा नहीं कहा जाता। वो इसलिए क्योंकि वहां राजा नहीं रहता, मंत्री रहते हैं, और जहां मंत्री रहते हैं वहां राजा वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको वाड़ा कहते हैं, तो रजवाड़ा नहीं कहते उसको। अब आम भाषा में बात कर रहा हूं मैं, तो जो वाड़े हैं वहां पर मैंने देखा है कि जो पहली मंजिल से और उसके ऊपर जाने के लिए छतें जिसके ऊपर टिकी हुई हैं वो लकड़ी की बड़ी बड़ी बीम्स हैं। अब मतलब जिनकी गिर्थ आप कह सकते हो अब 1 फुट से ज्यादा है, 2 फुट से ज्यादा है, 1.5 फुट की उनके गोलाई है उनके तने की, और बिल्कुल स्ट्रेट है वो, और उनके ऊपर कारीगरी भी की गई है, कार्विंग की गई है।
इनमें आप बहुत टेम्पल्स भी आपको मिलेंगे, बुद्धिस्टा टेम्पल्स मिलेंगे, कई और टेम्पल्स मिलेंगे, और ये सारी वुड सर्वाइव किए सैकड़ों सालों तक। यानी कि इनके साथ जो पत्थर हैं या बाकी मटेरियल जो यूज हुआ है उसका क्षय हो गया है, वो खराब हो गए, लेकिन ये लकड़ियां खराब नहीं हुई। हमने सुना है, हमें पता तो नहीं है कि ताजमहल का जो बेस है वो भी एक लकड़ियों का बना हुआ है जो नीचे है। इसके बारे में हकीकत मुझे पता नहीं है, लेकिन जब सुना है तो लकड़ी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझा गया एक दूसरे मटेरियल के मुकाबले, जिसे आप ईंटे पत्थर या बाकी चीज़ें कहते हैं। तो उनका मानना था कि लकड़ी भी उतनी ही सर्वाइव कर सकती है, बशर्ते कि लकड़ी अच्छी क्वालिटी की हो। और ऐसे में ये जो मैंने अभी आपको ये मटेरियल की बात करी है, इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लकड़ी होती है, जो मटेरियल के तौर पे, जिसका वर्णन विश्वकर्मा की थ्योरीज में भी है, और ये लकड़ी एज ए मटेरियल जब इस्तेमाल होती है भवन निर्माण में, भवन की संरचना में, तो ये इतनी पक्की होती है और इतनी मजबूत होती है कि ये शायद पत्थरों को भी बीट कर दे। इस वुड को मैं आपको नाम बता देता हूं, आपको आप नेट पे भी जाके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं मून वुड, चंद्रमा का वुड। इसके पीछे एक कहानी है या हकीकत है, वो ये है कि पेड़ काटना कभी भी चढ़ते हुए चंद्रमा के अंदर, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, राइजिंग मून, नहीं कट की जाती है। जो पेड़ कट होते हैं हमेशा वेनिंग मून में, जबकि न्यू मून की ओर हम जा रहे होते हैं कृष्ण पक्ष में, तब होता है। और सबसे अच्छी लकड़ी जो आपको मिलती है, और न्यू मून अमावस्या के दिन या उससे एक दो दिन पहले मिलती है। ऐसा क्यों है कि पेड़ों को पूर्णिमा या जब राइजिंग मून होता है नहीं काटा जाता, और जो वेनिंग मून होता है उसके अंदर काटा जाता है, जो कृष्ण पक्ष होता है? क्यों? क्या ये साइंस है? क्या विज्ञान है? बिल्कुल विज्ञान है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। कारण ये है कि जो लकड़ी वेनिंग मून के अंदर कट की जाती है उसको इंसेक्ट, कीड़े, फंजाई वगैरह जो होते हैं वो नहीं लगते हैं, फंगस नहीं लगती उसको कभी, वो ड्राई रहती है, उस लकड़ी के ऊपर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि प्रकृति का एक नियम है कि जब राइजिंग मून होता है तो आपकी ट्री ब्रांचेस के अंदर जो सैप होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। सैप कह सकते हैं कि एक लिक्विड पदार्थ जिसके द्वारा वो सारी पेड़ के अंदर जाता है और जीवित रखता है उसको। लेकिन जब हम न्यू मून की ओर जाते हैं तो वो सारा का सारा जो वो सैप है वो ट्री का जो जो बॉटम है वहाँ पे आके एकत्रित हो जाता है। जी हाँ, ये प्रकृति है। और जब न्यू मून के दिवस में अमावस्या के दिन उसको कट किया जाता है या एक दिन पहले कट किया जाता है तो सारा सैप जो है ना वो सिंक डाउन होके नीचे के बॉटम पे आ जाता है, पेड़ के तने जो होता है, स्टेम होता है। तो जब उसको कट करते हैं तो उसको स्टेम को खड़ा ही रखते हैं तो उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है और वो जो तना या स्टेम जो होता है पूरा ड्राई अप हो जाता है। जब कोई लकड़ी इस ढंग से पूरी ड्राई अप हो जाती है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं बचता है, तो वो उसके बाद वो जो लकड़ी होती है उसका वार्पिंग नहीं होता, यानी कि मुड़ नहीं सकती है, वो परफेक्ट वेट में आ जाती है, साइज परफेक्ट आ जाता है, प्रोपोर्शन उसका कहीं खराब नहीं होता है, उसके अंदर कोई श्रिंकिंग नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप सपोज करो कि किसी गिटार वाले के पास जाएं या कोई वायलिन मेकर जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास जाएं तो उनसे पूछें कि आप किस वुड से ये खास तौर से गिटार बनाते हैं या वायलिन बनाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम मून वुड से बनाते हैं। बहुत सारे लोग इसको मिथ्या कह के टाल देते हैं, लेकिन ये प्योर साइंस है कि मून वुड जो है वो अपने आप में एक टॉप क्वालिटी की वुड होती है। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं गिटार मेकर्स के पास, वायलिन मेकर्स के पास, या कई और जो वाद्य यंत्र बनते हैं, चाहे वो वीणा हो या सितार हो या कोई और जो लकड़ी के द्वारा इसमें इस्तेमाल किया जाता है अच्छे
आप जाके देखिए तो वो आपको बताएंगे कि ये कौन सी लकड़ी इसमें यूज़ होती है। तो ये जो वेनिंग फेज होती है न्यू मून वाली, यानी कि जो कृष्ण पक्ष जिसको हम कहा जाता है वेनिंग फेज को, वहाँ पे प्लांट्स को कट करना हमेशा बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि जब उसको कट करने के बाद रखा जाता है, अगर वर्टिकल थोड़ी देर रखोगे तो जो भी सैप जो लिक्विड उसके अंदर होता है सब निकल जाता है और पूरा का पूरा वो हो जाता है ड्राई। ये टेक्निक हमारे एंशियंट्स को, जो हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे हजारों साल पहले, उनको सबको पता थी, पूरी दुनिया में पता थी। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अब हम उस भवन निर्माण की उस मटेरियल साइंस से दूर हो गए हैं, लेकिन पहले के व्यक्ति दूर नहीं थे। और ये साइंस 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, क्योंकि उसके प्रमाण हैं। लकड़ी 2000 साल उन मंदिरों में सर्वाइव की है और आज भी इंटैक्ट है। और इतने साल तो कई बार कहते हैं पत्थर भी जो है सर्वाइव नहीं करते, लेकिन वो जो लकड़ियां हैं बुद्धिस्टा मॉन्क्स के जो टेंपल्स वहाँ पे जो बनाए थे उन्होंने, बुद्धिस्टा के जो मॉन्क्स थे उन्होंने टेंपल बनाए थे, बुद्धिस्टा टेंपल्स बनाए हैं, वो आज भी मौजूद हैं, मैं आपको बताऊँ। और ये सही बात है बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं कि पहला ये होता है कि जो प्रॉपरली ग्रोन ट्रीज होता है उसी को कट किया जाता है, यानी कि आधे अधूरे जो ग्रोन ट्रीज होते हैं, जो उगे हुए पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता है। जो पूरे उगे हुए पेड़ हैं बिल्कुल एडल्ट से भी थोड़ी और ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे कि हाँ ये बिल्कुल अब वास्तव में काटने लायक हो गया है, तब उसको कट करते हैं। दूसरी टेक्निक इसकी ये है कि राइट टाइम पे कट किया जाता है उसको। जब राइट टाइम पे कट कहते हैं तो इसका मतलब फिर वो वेनिंग मून के अंदर अमावस्या के आसपास कट किया जाता है, या अमावस्या को ही कट किया जाता है, क्योंकि राइजिंग मून में करेंगे तो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत रह जाता है, मैं आपको बताऊं। और जब किसी भी वुड में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत है तो उसमें फंगस लग जाएगी, इंसेक्ट्स आएंगे, कीड़े लगेंगे उसके अंदर, और उसका जो डिके है यानी कि वो जो क्षय होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और तीसरी बात, ये जो मून वुड जो ये होता है इसको जब ड्राइंग कर लेते हैं और जो स्टोरेज का उसका तरीका होता है उसको ढंग से किया जाए इस्तेमाल करने का, चाहे उसके ऊपर कार्विंग करो या कुछ भी करो, फिर वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है कि मैं बता नहीं सकता। मैं बोलता रहा हूँ, कई वाड़ा जो मैंने देखे हैं उसके अंदर ये जो पिलर्स हैं सारे, वो कोई पत्थर के पिलर्स नहीं, पहले माले से दूसरे माले के, तीसरे माला चौथा माले पे नहीं, सब वुड के पिलर्स हैं और कार्विंग है उनके अंदर। और वो ऑलरेडी जिनको मैंने देखा वो 300, 400, 500 साल सर्वाइव कर चुके हैं वो ऑलरेडी, और आज भी ऐसा लगता है कि वुड बिल्कुल नई की नई है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार हम उसको देख के हैरान हो गए थे कि ये वुड इतनी सर्वाइव कैसे कर सकती है, ये वुड इतनी पक्की कैसे है, इतनी मजबूत कैसे है। दरअसल उस वुड की जो मजबूती है वो शायद आपके जो सीमेंट के पिलर्स हैं जिसके लोहा भी डाला जाता है उससे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, वो बहुत डेंस वुड है। जब उसकी डेंसिटी और ज़्यादा अंदर ना जा सके तो फिर उसका जो कोहेशन है वुड का, इट इज़ एज गुड एज सीमेंट। और हिस्ट्री ने तो ये बताया है जिन टेम्पल्स में अभी तक 2000 साल से वो लकड़ी सर्वाइव कर रही है, कि लकड़ी जो है एज ए मटीरियल कैन बिकम मोर पावरफुल देन एनी काइंड ऑफ सीमेंट, बिकॉज सीमेंट कैन डिके बट दैट वुड विल नॉट डिके। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इसके बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है मैंने आप तक इसको पहुंचाई है, क्योंकि ये वुड के अंदर इंसेक्ट्स नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते, फंगस नहीं होती। और ये कई बार ये जो अग्नि होती है ना, अग्नि के प्रति भी थोड़ी सी ये रेजिस्टेंट हो जाती गर्मी के प्रति, यानी कि बहुत सारी कई बार मौसम बदलते हैं, क्योंकि जब वुड जो इस्तेमाल हुई है मंदिरों में, जो आप देखिए इसकी मैंने बात की हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से, तो मौसम बदले हैं, बारिशें आई हैं, सर्दियां आई हैं, गर्मियां आई हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, थोड़ा एक्सपेंशन भी हो सकता है, लेकिन ये वुड सर्वाइव कर रही है उस बारिश के मौसम में। उसे पानी भी पड़ा होगा उसके ऊपर, थोड़ा वो गर्मी भी आई होगी, सर्दी भी आई होगी, लेकिन वो वुड सर्वाइव की है, ना केवल एशिया में, इवन जैपनीज बुद्धिस्टा टेम्पल के। तो मटेरियल्स के अंदर हमेशा, जब हम कहते हैं विश्वकर्मा जी की थ्योरी के अनुसार कि मटेरियल्स जो हैं भवन निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और उस मटेरियल के अंदर वुड जो है एक बेहतरीन मटेरियल है,
शायद जिसकी रियल वैल्यू हम जानते नहीं हैं। अगर रियल वैल्यू जानते होते तो शायद हमारे मकानों में वुड का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, लेकिन आज भी जब पुराने घरों को देखते हैं तो आप वहाँ पे पाएंगे कि ऊपर मकानों में बीम्स जो हैं आज भी आपको वुड की मिलती हैं और वो सीमेंट से ज़्यादा मजबूत हैं और वो घर आज भी सैकड़ों सालों के बाद सर्वाइव किए हैं। ये है मूनवुड और साथ में कि एक पेड़ कब काटा जाना चाहिए। वैसे पेड़ काटना बंद है लेकिन कमर्शियल वुड काटी जाती है, चाहे वो यूकलिप्टस वाली हो या दूसरी किस्म की हो। इसके अलावा जो आपकी साल की लकड़ी है, टीक वुड है, वो भी काटी जाती क्योंकि उससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, दरवाज़ों की चौखाट बनती है और बाकी लकड़ियों की चीज़ें बनती हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट बैन है, पूरी दुनिया में लकड़ी काटी जाती है और ये दूसरे देशों के अंदर भी पता है उनको कि अगर लकड़ी को बेहतरीन रूप से बेच रहे हैं तो वो वेनिंग मून के अंदर यानी कि कृष्ण पक्ष के अंदर जो अमावस्या की ओर चंद्रमा जा रहा है तब काटा जाता है क्योंकि सैप नीचे चला जाता है जो लिक्विड मटेरियल होता है। तो घर तो ऐसा कि इस एपिसोड में ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको भी आप देखिए और कुछ मेल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लिंक्स आगे भेजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका, प्रोग्राम है आपका। मैं दिनेश किवोरा आपसे मांगता हूँ इजाज़त, घर हो तो ऐसा इस प्रोग्राम से। शुक्रिया आपका।